हेलो बच्चा लोग, वेलकम एवरीवन टू योर फेवरेट चैनल। आई माइसेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आपके साथ इसी फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा पे। जैसे कि आप सब जानते ही हो, हम एक वन बाय वन लेक्चर लेकर के चैप्टर की ओर बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और आज फाइनली हमारा ये चैप्टर अपने आखिरी मुकाम पर आ चुका है। आज हम लोग ये चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने SN1 SN2 दिख पढ़ा, उसके बाद में मैंने आप लोगों को रिएक्शंस भी बताए थे। आई होप सबने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने वीडियोस देख लिए होंगे, सबको मजा आ गया होगा, सबने मस्त 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 पढ़ाई कर भी ली होगी, सबने अच्छे से नोट्स वोट्स सबका काम कर लिया होगा। तो फिर अब आप और क्या चाहिए, आज चैप्टर को खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, मस्त मजा आने वाला है गाइस। तो सब लोग हो जाओ तैयार, अपनी अपनी बुक्स को लेकर के, अपने अपने नोट्स निकाल करके गाइस, लेट्स बिगिन द सेशन विद द धमाल कमाल और बेमिसाल लेक्चर की ओर। चलिए, तो बेटा जैसे ही आप लोग जानते हो, आज के सेशन का हेडिंग हमने दिलवाया है अराइल हैलाइड्स, मतलब हेलो अल्केन खत्म, हेलो अरीन्स पे चलना है। ठीक है, तो शुरू करते गाइस। हेलो अरीन्स की ओर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज हेलो अरीन्स क्या है। हेलो अरीन्स आर नथिंग बट जब हमारा हेलोजन एटम बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है, तो हम उस कंपाउंड को हेलोरीन्स बोलते हैं। बच्चा लोग, व्हेन योर हेलोजन एटम इज डायरेक्टली गेट्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, देन सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेलोरीन्स। लाइक दिस इज योर बेंजीन, इस पे मेरा हेलोजन आ गया। अब हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इसका नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, ऑर्थोमेटा पैरा भी सिखाया। जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बेंजीन है, उस पर मैंने ब्रोमीन अटैच किया, तो ये बन गया मेरा ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, दो अगर समझो एक और लगा दिया क्लोरीन, तो 1, 2, 3, सो ये बन जाता है 1.3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये सब चीज तो आप जानते ही हो गाइस। तो आज के सेशन में हमको ना पढ़ना है इनके प्रिपरेशंस के बारे में और इनके रिएक्शंस के बारे में। तो शुरू कर देते सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स, इसमें सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा जैसे आप लोग जानते हो, मैंने जब SN1 SN2 आपको पढ़ाया था, तो वहां पर भी ये वर्ड्स आए थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां पर भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हमारे रिएजेंट के हमेशा दो हिस्से बनते हैं। द रिएजेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोफाइल इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल जैसे कि नेगेटिव पार्ट होता है, राइट। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो यहां पर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल करता है। तो हम लोग सबसे पहले जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टेक टोलुइन, this is nothing but a methyl benzene, दो बार रिंग ले लेंगे,
बराबर है, प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लोरीन दो बार। अब आप सोच रहे होंगे सर दो बार क्यों चल रहा है, बताता हूं बाद में, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क एफ सी एल थ्री। बेटा हमारा जो ग्रुप है ना हैलोजन, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप लोग ने लास्ट ईयर एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर्स में, एरोमेटिक नहीं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एरोमेटिक कंपाउंड का एक सेगमेंट पढ़ा था। वहां पर हमको ये बताया जाता है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब उनका जो कंपाउंड है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे कंपाउंड बनाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो। समझो अगर कि यहां पर मेरा एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड एज मेटा, दिस इज कॉल्ड एज पैरा, अगेन फ्रॉम हियर दिस वुड बी योर ऑर्थो एंड दिस वुड बी योर मेटा। ये पोजिशनिंग हमारी होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा। लेकिन ये डाई सब्स्टिट्यूट के लिए ही चलता है, डाई मतलब आपके रिंग में दो ही ग्रुप होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में भी बताया ना आपको, ये वाले, ये देखो ये रहा, तो अगर मुझे इसको नाम देना है तो दिस ये पहला पोजिशन, दूसरा पोजिशन, तीसरा, ये मेटा है तो ये बन जाएगा एम डाइक्लोरोबेंजीन, एम स्टैंड फॉर मेटा पोजिशन, सो दिस इज एम डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, ओके। तो ऐसी चीजें याद रखने का। तो अब अपने कंपाउंड में हम लोग दो रिंग लेने वाले, एक ऑर्थो पोजीशन के लिए, एक पैरा पोजीशन के लिए, याद रखना, ठीक है बेटा। एक ऑर्थो पोजीशन का रिंग, एक पैरा पोजीशन का रिंग, एक ऑर्थो को फेवर करेगा, एक पैरा को फेवर करेगा। तो चलो लेट अस स्टार्ट देन, लेट अस मेक टू रिंग गाइस। फर्स्ट, सेकेंड, दो रिंग है अपने पास, बराबर। अब एक के ऑर्थो पोजीशन से एच निकालिए, दूसरे के पैरा पोजीशन से एच निकालिए। आई रिपीट वंस अगेन, जब किसी कंपाउंड में आप एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो, मतलब मेरे पास एक कंपाउंड है, वहां मुझे वहां पे कुछ डालना है। अब समझते हैं, देखिए इधर, इधर बेंजीन है, इन सब के पास H H H H H और ऊपर यहाँ पे CH3, ये तुम्हारा टोलुएन ऐसा दिखता है। अब समझो मुझे ये पोजीशन पे एक बॉन्ड चाहिए, तो अब यहाँ पर अगर तुमको बॉन्ड चाहिए तो तुमको यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, मतलब अगर मैं यहां पर एक एम्प्टी बॉन्ड ला रहा हूं तो मैं वहां से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, मतलब अगर मैंने यहां एक बॉन्ड बनाया ना बेटा तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर आया, यहां पे बॉन्ड बनाया ना, यहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर आया। नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस टू हाइड्रोजन आउट, दैट टू हाइड्रोजन विल बी कंबाइनिंग विद द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो ये दो एटम हाइड्रोजन के दो क्लोरीन के साथ मिलकर के बना देंगे 2HCl। दो H यहां से, एक H यहां से आया, एक H यहां से आया, दो H थे, दो H ने दो Cl के साथ बॉन्ड बनाया, 2HCl मेरा बॉन्ड बन गया। अब बचे चार में से दो Cl और, I have four atoms of chlorine, जिसमें से दो चले गए, दो अभी भी बाकी है, तो एक Cl हम यहां अटैच कर लेते हैं, एक Cl हम यहां अटैच कर लेते हैं, ये कंपाउंड का नाम बन गया ओ क्लोरो टोलुएन, इस कंपाउंड का नाम बन गया पी क्लोरो टोलुएन। बताया था ना, ये पोजीशन के बाद ये पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ये पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। ऑर्थो के लिए ओ लिखा जाता है, पैरा के लिए पी लिखा जाता है। ये आ गया मेरा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन्स, ये है मेरा प्रिपरेशन नंबर वन। आई होप, आई सपोज, आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर, सबको अच्छे से समझा होगा। राइट गाइस, चलिए तो ये पहला मेथड हो गया। अब बेटा मैं चल रहा हूं मेरे दूसरे मेथड में, जिस मेथड का नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स
रिएक्शन, ये साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रिएक्शंस मैंने पहले ही बताया आपको पढ़ने ही है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हमारे लिए, साइंटिस्ट ने बनाया हुआ जो भी रिएक्शन ना उसको अच्छे से करने का। तो सबसे पहले सेंड मेयर में होता क्या है, पहले मैं इसका रिएक्शन भी देता हूँ फिर मैं इसका स्टेटमेंट दूंगा आप। सबसे पहले ध्यान देते रहना अच्छे से रिएक्शन की ओर। लेट अस टेक एनिलीन NH2, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइनो बेंजीन, अमाइन है वो NH2। इसके साथ हम लेंगे HNO2, नाइट्रस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एट 273 केल्विन, दिस इज योर टेम्परेचर। ये रिएक्शन के तुम्हारे रिएजेंट्स जो जो चीज तुमको लगने वाली है, ध्यान दे करके समझ के अच्छे से फोकस के साथ देखना रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। चल अब जो बोल रहा हूं देख, समझा रहा हूं सुन अच्छे से। हाइड्रोजन गिनते जाओ, 1, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, आई हैव 4 हाइड्रोजन ओवर हियर, टेक 4 हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ 2 ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, मेरे पास डबल है दोनों भी, आई हैव 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। सो अगर मेरे पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बराबर ना, आई हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक एन ऊपर था वो खाली बैठा है, नीचे वाला एक एन है वो खाली बैठा है, इधर वाला एक सी एल है वो खाली बैठा है, बाकी सब तो वाटर बना के बाहर चलेगा। देखो फिर से, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 क्लोरीन, तो यहां पर अपने को कंपाउंड मिलता है N2+Cl-, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। चलो बढ़िया, अब ये कंपाउंड को, ये डायजोनियम सॉल्ट को ना ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए इसको प्लस और इसको माइनस दिया जाता है, ओके, ड्रॉप बॉन्ड है बीच। अब इसके स्टेटमेंट अगर लिखना है आपको, व्हेन एनिलीन is treated with nitrous acid, at 273 Kelvin in NaNO3 plus HCl, it forms benzene di अजोनियम क्लोराइड। बच्चा लोग ये ना, ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये आपको एक चैप्टर है अमाइंस, इसके बाद अल्कोहल फिनोल इथर आता है, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके बाद आता है अमाइंस, चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में इसके बारे में पूरा एक सेगमेंट दिया है अपने को, अमाइंस चैप्टर में, वहां पे फिर से आप पढ़ोगे, सेंड मेयर भी फिर से आएगा, पढ़ना ही है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर, मुद्दे पे आते हैं, हमको चाहिए था हेलोरीन्स, जो कि आप लेकर ही नहीं आए, हम तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे आके रुक चुके हैं, अभी हेलोरीन्स है किधर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेर इज हेलोरीन्स, तो हेलोरीन्स करते हैं। अब हमको ना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल चुका है, N2+Cl-, now this is treated in 3 different ways,
If this benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride, cuprous bromide और cuprous cyanide, इन तीनों में से अगर वो किसी से भी react करता, so अगर ये ring chloride वाले copper salt से react कर रहा है ना, तो अपने को chlorobenzene मिलता है, nitrogen gas evolve होके बाहर निकलेगा। diazonium salts का एक speciality है बच्चा लोग, डायजोनियम सॉल्ट जब कभी रिएक्शन में जाता है ना, तो वो हमेशा रिएक्शन में ए नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालता है, फिक्स है, फिक्स नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्स आउट। ओके, सिमिलरली अगर वो ब्रोमोबेंजीन से रिएक्ट, सॉरी ब्रोमो वाले सॉल्ट से रिएक्ट करता है कॉपर के, तो वो ब्रोमोबेंजीन बनाता है नाइट्रोजन गैस बाहर, और जब वो साइनो वाले सॉल्ट से रिएक्ट करता है ना, साइनाइड वाले, तो वो साइनोबेंजीन बनाता है नाइट्रोजन गैस बाहर निकल। So here I am getting three different product. When the copper salts has been treated with the diazonium salt, the product obtained is chlorobenzene. When it is treated with bromine wala salt, it forms bromobenzene. And when it is treated with cyanide wala salt, it forms cyanobenzene. इस तरह से हमारे तीन रिएक्शन होते हैं। साइनाइड वाला इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हेलोअरीन्स के बारे में, हेलोजन के बारे में पढ़ रहे, तो साइनाइड का काम नहीं है, लेकिन फिर भी सैंडमेयर साइनो के बारे में जानकारी देता है, बताता है, इसलिए मैंने भी आपको अपडेट किया, इन्फो दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl के साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रस एसिड और HCl के साथ जैसे ही हमने ट्रीट किया, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो गया, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ से चौथा हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से मिलके 2H2 बना दिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बचा, यहाँ पे नाइट्रोजन बचा, यहाँ पे क्लोरीन बचा, मतलब N2Cl हो गया, तुम्हारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे मैंने बना दिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब मैं क्या करूँगा, उसको रिएक्ट करूँगा। अब मैं किसके साथ उसको रिएक्ट करूँगा, तो मैंने उसको रिएक्ट किया क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ। क्लोराइड वाला क्लोरो बना देगा, ब्रोमाइड वाला ब्रोमो बना देगा, साइनाइड वाला साइनो बना देगा। दैट्स इट विद द सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको सिलेबस में है, जो हमको अच्छे से करने हैं। एम आई क्लियर बच्चा लोग, अंडरस्टूड ईयर अप टिल ईयर, वेरी वेल। पानी पी लो एक दो मिनट, जब तक के लिए देख लो आप लोग रिएक्शंस को। चलिए, तो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड फाइन गाइस, सबको इतना समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, मस्त मजेदार वे में। अब मैं चल रहा हूं आगे, जहां पे मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन्स। पहले तो ना, हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने से कतराता है, बहुत सारे रीजन है उसके। यहाँ पे SN1 SN2 नहीं पॉसिबल है, दूसरा वो रेजोनेंस प्रिफर करता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंसेप्ट, मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से हम यहाँ पर हमारे हेलोअरीन्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रोकते हैं, नहीं कर पाता है वो, खुद ही नहीं कर पाता है, हम क्या रोकें। तो यहाँ पर हम, मेरे को आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना है। चलो, सबसे पहले मेरे पास है ना एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, जिसपे एक नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज नथिंग बट 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बोला ना कि चलो पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट अपना बेहतर हो जाए। अंडर
नॉर्मल कंडीशन हेलोअरीन्स डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मतलब नॉर्मल केसेस में तो वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है उसका, ना के बराबर है उसमें. लेकिन अगर हमने कंडीशंस को बदला, जैसे समझ मेरे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है नाइट्रो ग्रुप के साथ, विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, सो दिस इज टू नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मैंने इसमें डाल दिया समझो एक्वियस NaOH. तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल Na और Cl बाहर जाएगा, OH रिप्लेस कर लेगा. तो यहां से अपना NaCl बना, NaCl बाहर चला गया. यहाँ पे टेम्परेचर है तुम्हारा 443 केल्विन अलोंग विद द जो भी रिएजेंट आपको यूज लगने वाला है. ठीक है, अब यहां पर मेरे Cl की जगह पे OH आ गया, दिस इज ओ नाइट्रो या टू नाइट्रो फिनॉल. आप बोलोगे सर ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन देख, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हुआ, टेम्परेचर लगा इतना सारा, ये टेम्परेचर था तब जाके रिएक्शन हुआ, जो रिएक्शन नहीं होता. दूसरा केस पीछे करोगे, नेक्स्ट पेज देखते. अब अगर मैं ये रिएक्शन दो नाइट्रो ग्रुप को साथ में लेकर के करूं, मतलब मैंने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा दिया, ये रिएक्शन चल रहा है फिर से. अब मेरा टेम्परेचर जो 443 केल्विन लग रहा था वो 403 पे आ गया. अरे वाह, जादू हो गया रे, अपना तो थोड़ा रिसोर्स बच रहा है, अच्छी बात है. फिर से NaCl बाहर चला गया, OHCl की जगह पे रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. अब जब मैं ये रिएक्शंस में तीन नाइट्रो ग्रुप ले रहा हूं एट ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजिशन, and same NaOH is being treated, now the temperature will again lower down at 300 kelvins, मतलब वो 300 kelvin के करीब करीब आ जाएगा, 373 kelvin के आसपास समझ लो काम होता है. अब क्या हुआ कि reaction ने और temperature कम किया. बेटा ये reactions मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ये इससे हमारा क्या मकसद है? The reason I want you all to know is, as the electron withdrawing group increases, the reactivity of the halogens also increases. जब तुम्हारे पास एक नाइट्रो ग्रुप था तो 443 केल्विन लेता था, जब दो आ गया तो 403 केल्विन लिया, जब तीसरा आ गया तो 373, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर कम होने का इंडिकेशन ये कि रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है. तो आई कैन से दैट विथ ऑल दीज रिएक्शन इट इज प्रूव दैट एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग group increases, reactivity of haloarenes also increases. Important point याद रखना, भूलना मत. अगर तुम्हारे reactant में haloarenes में electron withdrawing, अभी electron withdrawing group के पूरे group होते हैं, NO2 group है, फिर देखने जाओ तो OH ग्रुप है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स व्हेन अंडरगोज दिस रिएक्शंस दे ऑलवेज इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड. क्लियर, पक्का, श्योर, 100%. कोणाला काही विचारायचं असेल तर मेसेज करायचं, कुठे करायचं, तिकडे यूट्यूबला कमेंट सेक्शनला बघतो मी नंतर, हो का नाही? खरंच नक्की. चला, सबको आई होप इतना समझा रहेगा, अच्छे से आया रहेगा, अच्छे से पढ़ा रहेगा, नो प्रॉब्लम. अब चलते हैं बेटा हम लोग हमारे चैप्टर के एंड वाले थोड़े से पार्ट की ओर. आज जैसे बताया मैंने, आज मैं मेरे लेक्चर को एंड करूंगा, चैप्टर को भी एंड करूंगा जैसे ही मेरा सेशन कंप्लीट होगा. सो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल बाय हैलोजन्स ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, तो हमने उसको एक्स्ट्रा एडिशनल टेम्परेचर सोर्स दिया, करवा लिया। लेकिन जो वो प्रिफर करता है, वो प्रिफर कौन सा करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसके अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा जो है, दैट इज नथिंग बट बच्चा लोग हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को हम हमारे कंपाउंड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हर बार हम शुरू में रिंग दो ही लेंगे, दो बार रिंग लेने का जब भी आप लोगों को दिखाई दे तो आपको समझना है कि रिंग दो बार इसलिए ली जा रही है क्योंकि हम लोग दो कंपाउंड बनाने वाले हैं, एक ऑर्थो पोजीशन वाला, एक पैरा पोजीशन वाला, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए। सो आई एम फॉर्मिंग माई कंपाउंड फॉर द टू डिफरेंट आइसोमर्स, वन इज ऑर्थो एंड वन इज पैरा। वाई, बिकॉज हमारे पास जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। तो लेट अस टेक टू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, बराबर। चल ध्यान दे करके समझ करके अच्छे से बोर्ड पे देखने का, आई विल टेक टू बेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, वन क्लोरोबेंजीन प्रोवाइड्स ऑर्थो, वन क्लोरोबेंजीन प्रोवाइड्स पैरा, एक ऑर्थो पोजीशन वाला एक पैरा पोजीशन वाला, एक ऑर्थो पोजीशन वाला एक पैरा पोजीशन वाला, बराबर, श्योर, अच्छे से नक्के। चल ध्यान दे, अब यहां से ऑर्थो से एक एच अपने को मिलेगा, यहां पे पैरा से एक एच अपने को मिलेगा, मतलब मुझे दो बॉन्ड मिलने वाले, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, हमेशा दो रिंग, मतलब एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए, अपनी दो रिंग तैयार हो गई, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए। दूसरा कलर रख लेते, एक ऑर्थो एक पैरा, अच्छा दो बॉन्ड बन गए। मैंने क्या बोला था, जब दो बॉन्ड बनते तो दो एच निकलते, दो एच दो सी एल को साथ मिलेंगे, सो दो एच और दो सी एल साथ में मिल गए, अपने को मिल गया टू एच सी एल। अब दो एच दो सी एल चले गए, चार क्लोरीन थे दो बाहर गए, दो बचे ना, तो जो खाली जगह है वहां पे सी एल मार दे, ऊपर यहां एक सी एल लग गया, नीचे यहां एक सी एल लग गया, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, पी डाइक्लोरोबेंजीन, डन डस्टेड कंप्लीट, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, पी डाइक्लोरोबेंजीन, सिंपल रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वाले, इसका स्टेटमेंट चाहिए। चलो नेक्स्ट वाले रिएक्शन को स्टेटमेंट के साथ लिख के दूंगा। I hope this is clear to everyone, right? पक्का, sure, थोड़ा अच्छे से slow format में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दे करके पढ़िएगा बेटा। Second, nitration of halogens, nitration में हम add करते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाउ व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर बच्चा लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेने हैं अपने को, बराबर। चल ध्यान, पहले स्टेटमेंट, चलो पहले रिएक्शन लिखवा दो फिर स्टेटमेंट की ओर ध्यान देंगे। टेक हैलोजन दैट इज रिंग दो बार, कितिदा दोंदा, कितिदा दोंदा, क्यों ले रहे, ऑर्थो पैरा, सर ने बताया ना, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए, नीचे उसका नाम लिख देंगे क्लोरो
बेंजीन प्लस नाउ जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखते हो बेटा व्हेन यू आर राइटिंग अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर मेक श्योर दैट HNO3 आप यहां लिखो और H2SO4 आप एरो पे लिखो दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकिन एक आप एरो पे लिखोगे एक आप यहां लिखोगे नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होता है इसलिए नाइट्रिक एसिड इज रिटन एज अ रिएजेंट एंड दैट इज रिटन ऑन द एरो ओके नाउ इट विल टेक टू टाइम्स ये भी कितनी बार दो बार अब मेरे बच्चा लोग मेरे प्यारे 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 बच्चों ध्यान दे दो HNO3 और नाइट्रेशन आज के बाद जब कभी भी आपको पढ़ाया जाए यू विल एवर वेन एवर यू स्टडी अ नाइट्रेशन ओके जब कभी आपको नाइट्रेशन पढ़ाया जाए तो नाइट्रेशन में हमेशा सब्स्टिट्यूटेड पार्ट ऐसे लिखा जाता है OH डैश NO2 यू विल राइट ऑलवेज इन दिस फॉर्म OH डैश NO2 टू टाइम्स गिन लो HNO3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है H N और तीन ऑक्सीजन मतलब HNO3 हो रहा है एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन लिखने का फॉर्मेट यही रखना काम आएगा कैसे काम आएगा बताता हूं ओके नाउ फॉर्म टू क्लोरोबेंजीन अगेन एज यूजुअल जैसा हम करते आ रहे एक क्लोरोबेंजीन ले लिया दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लिया बराबर मेरा बच्चा लोग क्या करेंगे अब एक बॉन्ड ऑर्थो पोजिशन का बनाएंगे एक पैरा पोजीशन से बनाएंगे ऑर्थो से निकला हुआ एक एच यहां से OH को कैप्चर करेगा एक एच और एक OH साथ में जब जुड़ जाता है तो वो H2O बना लेता है बराबर लेकिन अपने पास तो H भी दो है क्योंकि एक एच यहां से आ रहा है एक एच यहां से आ रहा है और OH भी दो है तो दो H और दो OH मतलब इनडायरेक्टली मुझे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा बराबर ना मेरा चलो एक एच रिंग ने दिया एक ओ एच रिएजेंट ने दिया एच और ओ एच साथ में मिल गया क्या बन गया वाटर लेकिन अपने पास तो एच भी दो है ओ एच भी दो है जब आपके पास एच भी दो और ओ एच भी दो है तो आपकी तकलीफ तो खत्म ही हो गई आपको दो वाटर मॉलिक्यूल मिल गया अब वाटर मिलने के बाद ओ एच खत्म हो चुका है तुम्हारे पास नाइट्रो ग्रुप एनओ टू ग्रुप बचा हुआ है यहाँ पे चिपका दो वन एनओ टू ओवर ईयर वन एनओ टू ओवर ईयर ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बेसिकली पैरा आर द मेजर प्रोडक्ट्स हाँ पी नाइट्रो क्लोरोबेंजी डन एक हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट एक हो गया पैरा प्रोडक्ट अब इसका स्टेटमेंट अगर अपने को चाहिए दे देता हूं व्हेन क्लोरोबेंजीन undergoes nitration using nitric acid it forms O nitro क्लोरोबेंजीन एंड पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेजर ऐसा पूरा लिखने का अपने को दो मार्क मिलता है गाइस दो मार्क के लिए आता ही दो से ज्यादा नहीं आएगा अगर एक रिएक्शन पूछेंगे तो दो मार्क के लिए आएगा दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन इस तरह से इसको किया जाता है ठीक है बच्चा लोग एवरीवन अंडरस्टूड गोइंग गुड पक्का श्योर मस्त एकदम टकाटक बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना सब लोग आग लगा दो आग नेक्स्ट अब आएगा तीसरा जिसका नाम है सल्फोनेशन सल्फोनेशन इज नथिंग बट
एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रेशन में HNO3 ले लेते हैं, सल्फोनेशन में H2SO4 ले लेते हैं, फर्क है ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं, रिएक्शन तो बेसिकली बहुत सिमिलर होता है। टू रिंग्स ऑफ क्लोरोबेंजीन विच वेन टी ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टेक अगेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब मैंने आपको नाइट्रेशन पढ़ाया, मैंने क्या बोला, नाइट्रिक एसिड को हमेशा लिखने का OH-NO2। तो जब आप ये रिएक्शन करते हो और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा लिखने का OH-SO3H। फॉर्मेट्स याद रखो क्योंकि ये आप फिनॉल चैप्टर में पढ़ोगे, ईथर चैप्टर में पढ़ोगे, आगे एल्डिहाइड में पढ़ोगे, कीटोन में पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे, तो हर बार नाइट्रेशन करने के लिए OH-NO2 लिखते हैं, सल्फोनेशन करने के लिए OH-SO3H लिखते हैं। दीज आर फिक्स रूल्स गाइस, ये रूल्स बदले नहीं जाते, इसको करोगे इस तरह से तो समझेगा, रट्टा थोड़ी मारना, हम यहाँ पे रिएक्शंस कभी रट्टा नहीं मार रहे, हम मैकेनिज्म सीख रहे, यहाँ से एच ले रहे, यहाँ से ओ एच ले रहे, यहाँ से एच निकाल रहे, वहाँ से ओ एच निकाल रहे, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, डोंट मेक योर सेल्फ इन टू द मोड ऑफ रट्टाफिकेशन, या फिर बाय हार्ट करने वाला चीज़ नहीं हो रहा है बेटा, ये पूरी अलग चीज़ है, रियाज करके कुछ नहीं होने वाला है ठीक है, ये सब याद नहीं होता। चल रिंग ले ले दो बार, क्लोरोबेंजीन फिलहाल क्लोरोबेंजीन, चलो नाम तो बाद में चेंज होता, क्लोरोबेंजीन नहीं लिखेंगे, प्लस सॉरी फिर से क्लोरोबेंजीन। चल अब वही कहानी जो लास्ट पिछले रिएक्शन में की, सेम कहानी फिर से सुनानी है अपने को, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से H निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे, एक H एक OH के साथ एक H2O बनाता है, दो H दो OH के साथ दो H2O बनाएंगे, मतलब 2H2 SO3H बचा यहां पर, SO3H ये बन गया मेरा ओ क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस ग्रुप SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच इज द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप, प्रायोरिटी वाइज सबसे बड़ा ग्रुप है वो। तो यहां पर SO3H आपके रिंग को डोमिनेट करेगा। आप सोच रहे होंगे सर क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं लिखा, क्लोरोबेंजीन उससे छोटा ग्रुप है तो वो अब ब्रांच बना, वो सब्स्टिट्यूएंट बना, दिस इज द मेजर ग्रुप। तो SO3H फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद क्लोरो एट द ऑर्थो पोजिशन फॉर्मिंग ओ क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिमिलरली दिस वुड बिकम पी क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डन, ओ क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दो रिएक्शन हो गया, ये हो गया अपना सल्फोनेशन बराबर। बच्चा लोग सबसे पहले हेलोजिनेशन किया, एडिशन ऑफ हेलोजन, फिर नाइट्रेशन किया, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद द फॉर्म नाइट्रेटिंग मिक्सचर, फिर तीसरा रिएक्शन किया जिसमें हमने पढ़ा सल्फोनेशन, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबका फॉर्मेट याद रख, OHSO3H OHH OHNO2 इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट टीचर नहीं है ये, बच्चों को लगता है सर क्राफ्ट क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज फ्रीडल्स क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो टाइप होते हैं मेरा बच्चा लोग, पहला हम पढ़ेंगे फ्रीडल्स क्राफ्ट अल्काइलेशन,
चलिए, नाउ द वर्ड अल्काइलेशन इंडिकेट्स दैट हम यहां पे अल्काइल हलाइड्स लेंगे. असाइलेशन में इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वहां पे हम असाइल हलाइड्स लेंगे, जो असाइल क्लोराइड्स बेसिकली. यहां पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, प्लस टेक 2CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. भूल गए तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा. अनहाइड्रस AlCl3 लिखना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए. अच्छा, इसका नाम CH3Cl. मैंने क्या बोला, अल्काइलेशन में हम यहां पे एडिशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स लेते हैं. तो ये मेरा मिथाइल क्लोराइड, नाउ टेक टू रिंग्स अगेन, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन. ओके, नाउ सेम रूल, रिंग पे ऑर्थो पोजीशन बनाओ, पैरा पोजीशन बनाओ. ऑर्थो से एक एच निकला एक सीएल के साथ, एक एच और एक सीएल साथ में आएगा एच सीएल बन जाएगा, दूसरा एच दूसरे सीएल के साथ आएगा दो एच सीएल बन जाएगा. मतलब इनडायरेक्टली मुझे टू एच सीएल तो मिल गया. अब सी एच थ्री बचा हुआ है, सी एच थ्री एक यहाँ पोजिशन पे अटैच मार दे, एक यहाँ पोजिशन पे अटैच मार दे. दिस इज ओ क्लोरो टॉलुइन, दिस इज पी क्लोरो टॉलुइन. सब अगर रिएक्शन आप देख रहे हो ना बेटा अच्छे से, तो रिंग से अपना एच निकलता है, एच प्लस होता है, तो प्लस निकल रहा है मतलब प्लस रिप्लेस भी होगा. तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, प्लस वाला पार्ट हो रहा है रिप्लेस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज बीन रिप्लेस्ड बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म. मतलब इस रिएक्शन में नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम हो रहा है. इसलिए हमने क्या बोला, हमारे हेलोअरिन्स वाले रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं. मेक श्योर दिस, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट इट ऑलवेज अंडरगो electrophiles and electrophilic substitution and not the nucleophiles and nucleophilic substitution reaction. Okay, now I'm going with the second reaction, that is Friedel's craft acylation. Friedel's craft acylation, I will take two rings of chlorobenzene again. Plus, here I will take acyl chloride. Yahan par addition of acyl halide. यहां पर मैं ले रहा हूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एल, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड. इसको इथेनॉइल क्लोराइड बोल सकते हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. सेम चीज एरो पे डोंट फॉरगेट टू राइट अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 आपके रिएक्शन में लिखा होना चाहिए. दो बार रिंग बना दू क्लोरोबेंजीन का, बराबर. चल यहां से H, यहां से Cl, एच और सी एल बना एच सी एल, यहां से एच, यहां से फिर से सी एल, मतलब दो एच सी एल, दो एसिटाइल क्लोराइड में से दो एच सी एल चले गए. अब इतना पार्ट तेरे पास बचा है बेटा दो बॉन्ड के लिए, तो ये वाला पार्ट
थोड़ा छोटा करते थे उसको. दिस जॉइंड ओवर ईयर फॉर्मिंग सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. दिस विल ऑल्सो जॉइंड ओवर ईयर फॉर्मिंग सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. अब बेंजीन के ऊपर जब सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लगता है ना, मतलब बेंजीन रिंग, एंड दिस बेंजीन रिंग विल गेट जॉइंड विद द सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन. इस ग्रुप को हम एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं. बराबर बच्चा लोग, तो यहां पर इसका नाम बन जाएगा ओ क्लोरो एसिटोफिनोन एंड पी क्लोरो एसिटोफिनोन. वन इज ओ क्लोरो एसिटोफिनोन, वन इज पी क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दिस इज द रिएक्शन विच हैज बीन डन इन द बुक. एक ओ क्लोरो एसिटोफिनोन बन गया, एक पी क्लोरो एसिटोफिनोन बन गया. दोनों रिएक्शन आपके सामने रिएक्ट बोर्ड पे है. क्लियर है बच्चा लोग एवरीवन? आई होप दिस रिएक्शंस आर वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर यू ऑल. कुछ दिक्कत, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कठिनाई नहीं है जा रही होगी अब तक मेरे हिसाब से तो. ठीक बा, बढ़िया, मजा आ गया. तो बेटा यहां पर इस पार्ट से हमारे चैप्टर के रिएक्शंस खत्म हुए. चैप्टर खत्म नहीं किया अब तक, रिएक्शन खत्म किया. इसके बाद अगर आप देखोगे ना चैप्टर को बच्चा लोग अच्छे से, ध्यान से, शांति से, तो आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में लास्ट के सेगमेंट में एक पार्ट है जिसका नाम है यूजेस. अब फिर से एक बार बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन दैट सर हमको सिर्फ रिएक्शंस तक ही सीमित रहना है, हमको सिर्फ रिएक्शंस ही पढ़ना है. ऐसा कुछ नहीं है रे बच्चा. रिएक्शंस के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, यूजेस, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन योर टेक्सटबुक एंड इट इज गिवन इन योर सिलेबस, सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट. आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते. तो वो सारी चीजें आपको सिलेबस में इंपॉर्टेंट है. अब देखिए आप यूजर्स में आपको बताओ, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 229 पे आपको यूजर्स का पार्ट दिखता है पूरा. अच्छा, सारे यूजर्स एक तरफ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यूज जिसमें कंपाउंड का नाम है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन. ये इसका फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा ट्राइक्लोरो इथेन, सॉरी नॉट टेट्रा, ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन. ये स्ट्रक्चर, अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी है, वही पे आपको बुक में ही दिखेगा. स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम डीडीटी बोलते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर बुक, दैट इज डीडीटी. ये पोजीशन की जगह उन्होंने ये पोजीशन लगाया, नो प्रॉब्लम, लगा सकते हो. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, इसके मैकेनिकल, अरे केमिकल हजार्ड्स, ये सब पढ़ना डीडीटी का. ये है क्या पता है, बचपन में ना, आपके जब बचपन में, आप तो अभी भी शायद मेरे से थोड़े छोटे होंगे, मेरे भी बचपन में, तो वो धुएं वाला है ना, धुआं मच्छर मारने के लिए लेके घूमता था और आप लोग सब उसके पीछे धुएं के अंदर अंदर घूमते थे. तो बेटा ये चीज़ वही है, ये जो धुआं मार रहा है ना, लेकिन ये बहुत हार्मफुल है बेटा हमारे लिए, अब मत जाना कभी देखोगे तो. ये चीज़ इसलिए आप अगर आप देख रहे हो कि कुछ सालों के अंदर ये इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया, तो अभी इसको बंद कर दिया क्योंकि इसके हैजार्ड्स बहुत है, हेल्थ हैजार्ड्स बहुत है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है. दिस इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. तो इसके कुछ यूजेस बाकी और भी दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया होगा आपको बुक में, क्लोरोफॉर्म दिया होगा आपको बुक में, सबके यूजेस
एक एक बार जरूर पढ़ लेना, बिकॉज अगर एग्जाम में आ जाए और हम सिर्फ रिएक्शन 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 तक रह गए और ये सब चीज़ें जो इजी थी नहीं पढ़े, तो फिर कहीं ना कहीं अपना मार्क्स चला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। आई टुक अराउंड 8 लेक्चर्स टू कम्प्लीट दिस, ऑल इन अराउंड 8 नहीं, 0 लेक्चर को मिलाएंगे तो 9 लेक्चर लिए मैंने। हर लेक्चर करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट का लिया मैंने, ज़्यादा एक्सटेंडेड लेक्चर्स नहीं लिए, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, और आई होप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझा भी होगा, सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो इतना टाइम लेकर के पूरी मेहनत के साथ पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया गया, तो वर्क इट फॉर योर बेटरमेंट। मेक श्योर दैट ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, जितना अच्छा आपका फाउंडेशन उतना पूरा ऑर्गेनिक में मजा आ जाएगा। ऑर्गेनिक पूरा यूनिट वाइज पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को नहीं पढ़ते, तो पूरी यूनिट करने के लिए ये सबसे पहला अच्छा है, सबसे पहला पढ़ाव अच्छा जाएगा तो आगे बहुत कुछ अच्छा जाएगा। तो आई टेक लीव फॉर नाउ, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ गुड डे, मेक श्योर दैट यू स्टडी वेल, बाय बाय गाइस।